बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों आप फिर से मौजूद हैं मूसा कॉलोनी फिश मार्केट में। पिछली वीडियो में हमने देखा तो उसमें आप लोग दोस्तों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी अच्छा रिप्लाई देंगे आप। अच्छा रिस्पांस मिला वीडियो चैनल पर नया लोग दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो आइए मेरे साथ 600 रुपये किलो। यूसुफ ये कौन सी पॉपलेट है जी? कितने का ये? 1200 रुपये किलो। ताज़ा है ना? हाँ ताज़ा है। इसके गलफड़े खोलो दिखाओ। दिखाओ बेटा। मच्छी आप दे रहे हैं ये हीरा भाई आपको 650 रुपये किलो जी, ठीक है। और ये बताइए इसके बारे में। ये रोहू है। ये क्या हिसाब है? हाँ ये ताज़ा है। क्या हिसाब दे रहे हैं ये? ये भाई पड़ेगा आपको 700 रुपये किलो। बोली कौन सी है? वो डांगरी है। डांगरी क्या हिसाब है? डांगरी पड़ेगा भाई 800 रुपये किलो। और ये कौन सी है? ये हीरा रेट। हीरा जी। ये नए रेट आ रहे हैं या पुराने रेट पे आप दे रहे हैं फिलहाल? ये नए रेट। नए रेट पे? पुराना रेट क्या है? हाई रेट तो 600 में भी 700 में अभी तो नया रेट है इसका। अभी कितने में दे रहे हैं? 800 रुपये। अच्छा ये भी कुन है? ये वाइट कुन। क्या हिसाब है? वाइट कुन भाई आपको पड़ेगा 800 रुपये किलो। ये धोतर है। धोतर हाँ ये ना अच्छे। क्या हिसाब है? ये धोतर पड़ेगी भाई 700 रुपये किलो। एक और नस्ल आता वाइट धोतर। अच्छा ये काला धोतर है जिसमें ब्लैक स्पॉट, ठीक है। ये मुल्ला। हाँ मुल्ला। ये क्या हिसाब दे रहे हैं? मुल्ला 850 किलो। सबसे कम रेट वाली कौन सी आपके पास इस टाइम? रेट वाली जो रोहू है वो 600 रुपये किलो। उससे 600 नीचे कोई नहीं है। ये नहीं है। ये कौन सी है? ठीक है हिसाब है। ये 650। ये 650। ये 450। 450। ये सबसे मतलब कम रेट है जी, सबसे कम रेट नहीं है। प्राउंस वगैरह का क्या हिसाब दे रहे हो? बड़े वो दिखाइए। आइए वहाँ चलते हैं। दिखाइए कौन सा? यूसुफ बड़े यूज क्या हिसाब है? प्राउन 1200 रुपये किलो। और ये छोटे वाला 650 रुपये। ये कौन सी मछली है? ये सुरमई है भाई, किंगफिश। नाजुक होती है, दबाए हाँ नहीं दबाए। क्या हिसाब है? ये भाई 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया जी। क्या प्राउन क्या हिसाब दिए बड़े? कितने? 1000 रुपये किलो। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? यार थोड़ा मछली के रेट दे देना प्लीज़। ऐसे ही बता दें, कोई मसला नहीं। क्या हिसाब दे रहे हैं? ये क्या किलो? कौन सी मछली? ये वाइट कौन है भाई? ये दे रहे 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो। और ये छोटी वाली आगे बढ़िए। छोटी वाली ये मीठे पानी की दंडी है। ये दंडिया आपको पड़ेगा 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। और ये रोहू है। क्या हिसाब है? रोहू आपको पड़ेगा भाई ये 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो है। तो ये रेट मुनासिब है, मुनासिब रेट है, बहुत मुनासिब। ये कौन सी मछली? बड़ी मछली। ये साफिर अहमद। कौन सी? साफिर अहमद। अच्छा क्या हिसाब है? ये 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो, ठीक है। और ये ब्राउन जो बड़ी है ये डामा किस्सर है। क्या हिसाब है? ये पड़ेगा 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। मेरी तो बन रही है ना। हाँ ये कौन सी मछली है? ये मुर्गी है। ये वाली क्या बताया रेट? बताया था आपने 800 रुपये किलो। दिखाएं मुझे। अच्छा दोस्तों ये ली मछली, ये सब कटिंग के बाद ये ली, कोई इसमें कांटा वगैरह नहीं है। अच्छा बीच का दिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे रेट बताए बेटा? मेरे को नहीं पता रेट। चलो कोई बने। ये कौन सी है? पापलेट। क्या हिसाब है? 550। और ये पॉपलेट कितने की है, क्या हिसाब है? 450 पॉपलेट मुनासिब दे रहे हैं यार। ये वाली कौन सी मछली है, क्या हिसाब है? ये अच्छा, क्या हिसाब है? 700 रुपये किलो। ये सुनमई कौन मिले, क्या हिसाब है? अच्छा, वो क्या बताया था आपने? वो 750। ये 450। अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये क्या हिसाब है भाई? प्राउन 1150 रुपये किलो। ये भी बना निकाल रहे हैं या फ्रेश कर रहे हैं? पे आके बस दो और कढ़ाई पे डाल, बस ये से तैयार हो रहा है। खोल के दिखाओ यार, ये बीस में खोल के दिखाओ, कैमरे में दिखाओ बेटा, आराम आराम से खोलो ताकि पता चले। ये सही होगा कंप्लीट, ये से पकड़ा सर तोड़ा। अच्छा और दिखाओ बेटा, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन सी मछली है सर? अमरोस बोलता है इसका, बिजनेस के लिए काम आता है। क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 600 रुपये किलो। ये होगी 6-7 किलो तो होगी है, ये 3.5-4 किलो है ना, ये 50%। अच्छा, और ये क्या, ये कौन सी? वाइट कून है। वाइट कून क्या हिसाब है? ये 850। 850। ये आपके सामने ये पड़ी है, ये सिंगाड़ा। क्या हिसाब है? ये 400 रुपये किलो। ये जो मेरे सामने पड़ी है क्या हिसाब है? 750। ये मुश्किल है, 3 लाख। क्या हिसाब है? ये 900 रुपये। 900। वो सस्ती कौन सी आपके पास इसमें, सबसे मुनासिब सस्ती वाली कौन सी है? कौन सी भी है? ये हमारे पास सारे 400 से ऊपर है, सारे 400 से लेकर 1000, 1200, 3000 तक। 3000 वाली कौन सी है? 3000 वाइट पापलेट। चलिए वहाँ चले आइए, देखते हैं। कौन सी? अच्छा ये है ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ये 3000 रुपये किलो। अच्छा, ये कौन सी मछली आपके पास पड़ी है? जी जी, कमांडो है। क्या हिसाब है? 950 रुपये किलो। ये ऊपर ही पड़ी शार्क नुमा सोनमरी। क्या हिसाब है? 300 रुपये किलो। शुक्रिया। सर ये कौन सी मछली है? ये जो आगे वाली पड़ी है सोल। क्या हिसाब है? 750। इंशाल्लाह हो जाएगा, आप देखने सारा कुछ बिल्कुल सही है। बाहर कुछ पहले छोटी गाड़ी नहीं आ सकती है, गाड़ी मुश्किल से आती है, टन करने की जगह भी नहीं। हमारे बोस आओ बेटा, बहुत खोले बेटा है, बहुत पुराने। कैसे हैं आप? ठीक है बस आपकी। जी सर, क्या लेने आए हैं आप? कौन सी मछली लेने? मछली और ये अपनी क्या नाम, पापलेट ली है, काली पापलेट, वाइट पापलेट और मुश्का ठीक है, और वो अपने लिए सही है सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह ये मार्केट में फ्रेश मतलब मिल जाती है। अच्छा, फिशरी के बाद अगर मछली अगर फ्रेश मिलते तो ये क्या है, यहाँ बात सच है कि बुरसा से मिलती है? ज़रा बासी माल भी भेजते हैं लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन ये ज़रा एक मशहूर दुकान है माशाल्लाह, वो अच्छी काफ़ी। अच्छा, और रेट वगैरह मुनासिब है? रेट देखिए, बासी माल के रेट कम होते हैं यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन ये जो अच्छी लेनी है वहाँ महंगी होती है। मतलब ये रेट मुनासिब मार्केट। आप कुछ बताएँगे सर? भाई हमारे ये मसला है कि गली बहुत छोटी है, अंदर गाड़ी नहीं आ सकती है। बराए मेहरबानी इसको बाहर मेन रोड पर लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को इसको पता नहीं है कि अंदर मार्केट है मच्छी की, तो लोगों को मुश्किलात का दुशार होता है। ठीक है, अंदर गाड़ी नहीं आ सकती है, बहुत छोटी गली है। अच्छा, मार्केट के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ हमारा अक्सर बहुत आते रहते हैं, बहुत सारे लोग रश लगे हुए हैं, तो यहाँ आने का बहुत मसला होता है, बस ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं आशा मंजर से आ रहा हूँ। आशा मंजर से, जी बहुत शुक्रिया। यार थोड़ा मछली का रेट देना है, ये कौन सी मछली है? छोटी, ये बांगड़ा मछली है, 300 रुपए किलो, आप 250 रुपए लगा लीजिएगा। छोटी मछली 300 रुपए। इसका जायका बहुत अच्छा है, खट्टास, एक काटेगा, एक ही कांटा होता है, एक ही कांटा सिंगल। साढ़े कितने क्या हिसाब फाइनल होंगे? 250 रुपए। 250 रुपये हो जाएगा ये, ज़्यादा 200 रुपये भी हो जाएगा। नहीं, 250 रुपये फाइनल है। ये एक सिंगाड़ा मछली है, एक कांटे की, इसका कबाब भी बनते हैं, टिंडर निकल गए। क्या हिसाब है? ये 350 रुपये फाइनल, 300 रुपये हो जाएगा। 300। और ये कौन सी मछली है? ये बाटा मछली है। बाटा? बाटा बाटा, एक कांटे की मछली है। तो बाटा, इसमें भी बाटा आ गया, एक कांटे की मछली है। अच्छा, क्या हिसाब है? ये 350, 300 रुपये, 300 रुपये किलो हो जाएंगे। और ये कौन सी दंदिया? दंदिया क्या हिसाब है? एक कांटे का 250 रुपये, आप 200 रुपये दे दीजिए। 200 रुपये, अच्छा। और ये बहुत ज़्यादा छोटी मछली, ये भी खाते लोग? छोटी है। अच्छा, ये भी खाते हैं, ठीक है साहब। 150 रुपये किलो, 150 रुपये। ये कौन सी मछली है? ये दंदिया मछली है, काला दंदिया। क्या हिसाब है? एक कांटे की 600 रुपये किलो। 600। वो कौन सी आपको प्राउन क्या हिसाब है? प्राउन ये 1200 रुपये। ये टाइगर है, ये चेहरा है, ताज़ी मछली, 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये, ठीक है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ से आए सर आप? मैं तो आया हूँ नॉर्थ नाजिमाबाद, जे ब्लॉक से। जे ब्लॉक से आएंगे। क्या कौन सी मछली ली है? मैंने लिया डांडिया। डांडिया कौन से वाले दिखाएं? वो थे दिखाएं बेटा, ये वाला। अच्छा दिखाओ बेटा। हाँ, क्या हिसाब लिए? ये लिया 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो, अच्छी है मछली? जी, हाँ फ्रेश है, फ्राई और आप सालन दोनों में। ताज़ा मछली? जी, ताज़ा। ठीक है, और मार्केट के बारे में क्या कहेंगे इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ्रेश मछली मिलता है, ठीक है, और अवेलेबल होता है। और तो बहुत पुराने हाथ से नहीं, इसके फादर के ज़माने से मैं लेता था। अच्छा माशाल्लाह, तो मतलब फिशरी के बाद बेहतर मछली ये फिश पॉइंट है? हाँ जी, अच्छी है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, उनसे भी थोड़ा प्यार ले लें। हाँ, उनसे भी ले लें। अच्छा, ये प्राउन क्या हिसाब है बेटा? 850, 800 रुपये हो जाएगी। 800 रुपये हो जाएगी। और ये 650, 600 रुपये हो जाएगी। 600 रुपये थोड़ा जाएगा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं नॉर्थ नाजिमाबाद से आया हूँ, ब्लॉक एंड। जी। कौन सी मछली खरीदी है? मैंने बाटा भी लिया है और दंजिया भी लिया। बाटा और दंजिया दोनों? जी हाँ। इनका जायका कैसा है? बहुत अच्छा है। ये बेसिकली ये वहाँ से लेके आते हैं, इब्राहिम हदी से। आते हैं। हाँ, ये ताज़ा मछली होता है मतलब। और मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा मार्केट मूसा कॉलोनी तो बेसिकली है, मछलियों के वजह से लोग आते हैं यहाँ पे। मुनासिब रेट है यहाँ। मुनासिब रेट के अलावा यहाँ इनके पास खास तौर पर ताज़ी मछली होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये कौन सी मछली है? ये गेच की माछ कहलाता है। ये किस काम में आती है? ये आपके ये है ना, ये इसका सिर्फ सर तोड़ देते हैं, बाकी पका देते हैं ये। अच्छा, तो मतलब अंदर से गंद नहीं निकलेगा? गंद बस सर तोड़ दिया तो गंद निकल गया। अच्छा, तो ये भी खाते हैं मतलब? ये भी खाते हैं। ये बहुत मज़े की मछली होती है। कभी यूज़ किया, चेक किया भाई? मैंने नहीं किया, लेकिन लोग बताते हैं कि अच्छी है। साइक बार अच्छा। ये क्या सब्जी है? छोटे 150 रुपये किलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है, इसलिए मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।